सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे आरजी टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपने अपने फ़ोन में कोई भी ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड किया और उसको इंस्टॉल किया है लेकिन अभी आपके यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है वो एप्लीकेशन, ठीक है, तो आप अपनी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा वो भी आप यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले अपना फ़ोन जो एक बार रीस्टार्ट करना है, यानी कि अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ कर देना है, उसके बाद उसको दोबारा से ऑन करना है, फिर आपकी जो है कि प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाएगी। कम से कम आधे लोगों की इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मेरी इसी टिप्स से, ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम अभी भी नहीं सॉल्व हुई है तब आपको क्या करना है वो यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। अब आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पर आपको आने के बाद वो एप्लीकेशन सर्च कर लेना जो भी आपने जो है अभी डाउनलोड किया है, ठीक है, जिसको आपने अभी इंस्टॉल किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं यूट्यूब को ले लेता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने यूट्यूब सर्च किया तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन आ चुका है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर ओपन करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक है। अगर आपने जो डाउनलोड किया उसमें अगर ओपन करने का दिया जा रहा है तो आप समझिए कि आपका एप्लीकेशन तो डाउनलोड और इंस्टॉल हो गया आपके फ़ोन में। लेकिन अगर यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर इस तरीके से अगर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिया जा रहा है तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल करना है, बट आपका जो कि इस तरीके से ओपन ही लिख के आएगा अगर आपने उसको इंस्टॉल किया है तो। और अगर आपने प्ले स्टोर से ना डाउनलोड करके आपने किसी ब्राउजर से किया था, कोई एपीके फाइल आपने डाउनलोड किया है तो वो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो अब आपको क्या करना है वो यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन की सेटिंग में आना होगा। यहाँ पर जो मैं टिप्स आपको बता रहा हूँ इनको आप फॉलो करते रहना है एक एक करके, जिससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। इसके बाद अब आपको आना है यहाँ पर एप्लीकेशन एंड परमिशंस के अंदर। यहाँ पर जैसे आप इस सेटिंग के अंदर आते हो उसके बाद यहाँ पर भी आप देखोगे यहाँ पर देखने के लिए मिलता है ऐप मैनेजर। आपको सिंपल से यहाँ पर क्लिक करना है ऐप मैनेजर के ऊपर। जैसे ही आप ऐप मैनेजर के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर लोडिंग चलेगी और उसके बाद आपके फ़ोन के जितने भी एप्लीकेशंस होंगे वो सारे लोड होकर के आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो सारे एप्लीकेशन हमारे आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है यहाँ पर ध्यान से समझिए। अब आपको यहाँ पर थ्री डॉट मिलते ऊपर, आप देखोगे यहाँ पर तीन बिंदी, सिंपल से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हो रीसेट ऐप परफॉर्मेंस, यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इससे क्या होगा वो भी आप यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। इससे जितने भी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में रन कर रहे थे बैकग्राउंड में वो सारे रुक जाएंगे और जब आप उनको ओपन करोगे तभी वो ओपन होंगे, यानी कि उनका जो कि जितने भी एप्लीकेशन आपके फ़ोन के हैं वो सारे एक तरीके से मान लो कि सभी को रोक देता आपका फ़ोन, ठीक है। उसके बाद जब आप उनको ओपन करोगे जो भी परमिशन वगैरह दे रखी है एप्लीकेशन में वो सब हट जाएगी, आपको दोबारा इसको परमिशन वगैरह देना होगा। इससे अब आपको इस सेटिंग को करने के बाद एक बार फिर से अपना फोन रीस्टार्ट करना है क्योंकि आपके फोन के जितने भी ऐप्स हैं वो सारे एक बार रुक चुके हैं और अब दोबारा से चालू होंगे, ठीक है। तो ऐसे में अगर कहीं पर भी आपका वो एप्लीकेशन फंसा होगा इंस्टॉलिंग में तो वो जो है कि हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर दोबारा से रीस्टार्ट करके देखना है और अगर आपकी प्रॉब्लम फिर भी नहीं सॉल्व होती है तो आपको यहाँ पर ऐप मैनेजर में ही आना है और यहाँ पर अब आपको देखना है कि क्या वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है जो अभी आपने इंस्टॉल किया है लेकिन वो स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है। अगर आपको वो एप्लीकेशन यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब कि आपका वो डाउनलोड ही नहीं हुआ, आपका इंस्टॉल नहीं हो पाया है, ठीक है। आपको दोबारा से उसको चेक करना कि इंस्टॉल हुआ या फिर नहीं हुआ है। वहाँ पर आप देखना कि इंस्टॉल हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं लिख के आना चाहिए नॉट इंस्टॉलेड इस तरीके से। अगर इस तरीके का कोई दिक्कत आता है वो इंस्टॉल नहीं हुआ है, जो इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद वहाँ पर जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा और वहाँ पर ओपन करने का ऑप्शन दिया जाएगा आपको एप्लीकेशन का। लेकिन अगर आप ओपन करते हो ऐप ओपन होता है लेकिन आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा और यहाँ पर आपको ऐप मैनेजर में भी वो एप्लीकेशन दिख रहा है बट स्क्रीन पर नहीं दिख रहा, तब आपको क्या करना है तो इसके लिए आपको बैक आना है और अब आपको क्या करना है यहाँ पर अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है और यहीं पर आपको देखना है एक सेटिंग आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाती है अभी, जैसे कि आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक सेटिंग आपको मिलेगी फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड, आपको इसके अंदर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको देखने के लिए मिलता है एक सेटिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस सेटिंग के अंदर जैसे आप आ जाते हो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है ऐप इंक्रिप्शन और यहाँ पर हाइड ऐप का एक ऑप्शन दिया जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हो हाइड ऐप का। तो सिंपल से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक कर देते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन होंगे वो सारे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन जो अभी आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा था उस पर अगर इस तरीके से ये टिक लगा होगा, अगर ये ऑन होगा कुछ इस तरीके से, तो ये एप्लीकेशन जो है कि मान लो हाइड था हमारे फ़ोन में, तो अब आपको इसको यहाँ से इसको अनटिक कर देना इस तरीके से और अभी जो आपको एप्लीकेशन नहीं दिख रहा था वो अभी आपको स्क्रीन पर यहाँ पर देखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं इनको आप फॉलो कीजिए, उसके बाद फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या फिर नहीं हुई है। अगर हो जाती तो भी बताना, अगर नहीं होती है तो भी आप मुझे बता देना। और आपको इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो अगर आपकी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।